हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन सिंपली रूप। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पर्पल हॉल। मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं आप लोगों के साथ DIYs शेयर करने के लिए, मतलब उन प्रोडक्ट्स के साथ मैं कुछ इफेक्टिव DIYs बनाने वाली हूँ आने वाली वीडियोस में। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वो प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आपको पता हो कि वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आए हैं और इनकी कॉस्ट क्या है और इनकी यूज क्या है। छोटा सा हॉल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। देख लेते हैं क्या क्या है वो चीज। सबसे पहले मैंने कुछ ऑयल्स मंगवाए हैं, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। तो उसमें से सबसे फर्स्ट वन इज कोकोनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ये स्पेशली जो नॉर्मल कोकोनट ऑयल हम अपने बालों पे लगाते हैं वो अपनी स्किन पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कई बार उनमें मिनरल ऑयल मिक्स होता है जो आपकी स्किन को ब्लैक कर सकता है। अगर आपने अपनी स्किन पर लगाना है तो बेस्ट वन इज करियर ऑयल्स लेने चाहिए, जैसे ये कोकोनट करियर ऑयल है। और इसको आप अपने फेस पर, अपने बालों पर लगा सकते हैं और इसके साथ हम बहुत इफेक्टिव DIYs भी बना सकते हैं। आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो इसकी अगर हम प्राइस की बात करें, मैं आपके साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइजेस जो मुझे मिली हैं डिस्काउंट पे वो शेयर करूंगी। तो इसकी जो प्राइस है दैट इज 265 रुपीज एंड 200 ml इसकी क्वांटिटी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज, ये मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल आपके पास जरूर होना चाहिए। ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर। ये आपके स्किन और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन ये बहुत अच्छा मेकअप रिमूवर भी है एंड इट इज ए कैरियर ऑयल। इसको आप दूसरी चीजों में DIYs में मिक्स करके बहुत अच्छे पैक्स वगैरह अपने बालों और स्किन के लिए बना सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो 140 रुपीज मुझे मिली है और इसकी क्वांटिटी 100 ml है। नेक्स्ट वन इज कैस्टर ऑयल। ये अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल है। वो दोनों प्रोडक्ट्स गुड वाइब्स के थे, दोनों ऑयल्स। ये अरोमा मैजिक का कैस्टर ऑयल है। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये इसकी प्राइस 92 रुपीज है और 100 ml इसकी क्वांटिटी है। एंड कैस्टर ऑयल, अगर आपको पता हो, ये आपके आई लैशेज या आईब्रोज की अगर आप लेंथ इंक्रीज करना चाहते हो, आईब्रोज को थिकर करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है एंड DIYs के लिए इट इज ए मस्ट। नेक्स्ट मैंने लिया था एलमंड ऑयल। एलमंड ऑयल में आप लोगों को बता दूं, अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं या आपकी स्किन अनइवन है या आपकी स्किन पे इलास्टिसिटी की कमी है तो एलमंड ऑयल इज मस्ट फॉर यू। ये आपको जरूर आपके पास होना चाहिए। रात को सोने से पहले आपको ये जरूर अप्लाई करना चाहिए। मैंने गुड वाइब्स का एलमंड ऑयल लिया है एंड ये इस तरह की फॉर्म में मुझे मिला है। सिरम टाइप इन्होंने बॉटल में डाला है और इसकी प्राइस 142 रुपीज है एंड अगेन इसकी क्वांटिटी जो है 10 ml है। इसके 2-3 ड्रॉप्स ही आपने लेने होते हैं रात को सोने से पहले। जस्ट अप्लाई ऑन योर अंडर आईज या आप अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ ऑयल होता है ये, लाइक दिस आप देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है आर्गन ऑयल। ये नाइसा का आर्गन ऑयल है, छोटू सा ये मुझे मिला है इसी तरह से। ये 5 ml इसकी जो है क्वांटिटी है एंड इसकी प्राइस इतने छोटे से कि 142 रुपीज है। लेकिन जो आर्गन ऑयल होता है इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर। ये आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को और आपके बालों को। जिनके बाल फ्रिजी हैं तो आप अपने शैम्पू में इसके एक दो ड्रॉप्स डालकर अगर आप वॉश करो तो आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने मुझे ये फ्री में दिया। जब मैंने ये सारा कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए तो इन्होंने 2 प्रोडक्ट्स मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए थे, जिसमें से ये एक सीरम था गुड वाइब्स का, विटामिन सी एंड विटामिन बी सीरम, विटामिन सी एंड विटामिन बी 3 सीरम। विटामिन सी एंड विटामिन बी सीरम मैं इनका यूज कर चुकी हूँ, बहुत गुड था। लेकिन ये विटामिन बी 3 है। बेसिकली ये जो सीरम होता है ये हमारी कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, बिकॉज विटामिन सी जो आपके जो स्किन है उसको इवन आउट करता है। जिनके स्किन पर पैचेस होते हैं, स्किन क्लियर नहीं होती, तो उनको ये सीरम जरूर लगाना चाहिए। 2-3 ड्रॉप्स डेली अपने फेस पर अप्लाई करने चाहिए। अदरवाइज इसकी जो प्राइस है वो 225 रुपीज है। और लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट। मैंने मंगवाई है एलोवेरा जेल फ्रॉम मामा अर्थ।
मामा अर्थ की मैंने एलोवेरा जेल मंगवाई है. इट इज प्योर एलोवेरा एंड टर्मरिक. बेसिकली क्या होता है कि मेरे पास, अगर मैं बात करूं, मेरे पास फ्रेश एलोवेरा जेल का प्लांट है, लेकिन कुछ DIYs या कुछ अगर हमने कोई नाइट क्रीम बनानी है या कोई हेयर मास्क बनाना है जिसको हमने लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हमें ये जो प्रिजर्व्ड एलोवेरा जेल होती है, जो मार्केट वाली एलोवेरा जेल होती है, वो हमें यूज करनी पड़ती है. क्योंकि वो जो फ्रेश एलोवेरा जो हम प्लांट से निकालते हैं, वो लंबे टाइम हम प्रिजर्व नहीं कर सकते. तो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज किया था. और इसकी प्राइस 249 रुपीज है. और इसको मैंने एक बार ही यूज किया है. बहुत ही अच्छी है. बहुत इस तरह की, अब मैं दिखा देती हूँ इसको. इस तरह की है ये देखिए. सिर धोने के बाद अगर आपके बाल जो हैं आपके ड्राई लगते हैं, तो आप अपने बालों पर इस तरह से इसको लगा सकते हो. ये इंस्टेंट आपके बालों को मॉइस्चर दे देता है, आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन दे देता है. तो इसको आपको जरूर लगाना चाहिए. नेक्स्ट मैंने मंगवाई है गुड वाइब्स की ऑरेंज जेल. बेसिकली मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन जो चाहे आपकी स्किन ऑयली है, चाहे ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन स्किन है, जब इतनी गर्मी या चिपचिपा मौसम होता है, ह्यूमिडिटी वाला मौसम होता है, तो अवॉइड यूजिंग फेस क्रीम्स या मॉइस्चराइजर्स, क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन से बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता है. तो हाइड्रेशन तो हमारी स्किन को चाहिए. तो जेल्स आर द बेस्ट ऑप्शन टू प्रोवाइड हाइड्रेशन. ये आपकी स्किन को ऑल टाइम हाइड्रेटेड रखती है, चिपचिपा भी नहीं करती है. और ऑरेंज के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन. तो ये इन्होंने स्पेशली इस पे लिखा हुआ है कि ये हर स्किन टाइप वाले इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी यूजफुल फॉर ड्राई स्किन पीपल. मतलब जिनकी स्किन ड्राई है, तो इसको जरूर यूज कीजिए. और मैं इसको डेली अप्लाई कर रही हूँ. 3-4 times मैं इसको लगा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी लग रही है. बिल्कुल भी ये चिपचिपा प्रोडक्ट नहीं है और ये आपकी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेशन दे देता है. ये देखिए, इस तरह से आप इसको लगा सकते हो. जेल लगाने का एक और मैं आपको बताती हूँ. जेल कभी भी आपको क्रीम की तरह इस तरह से आपको मसाज नहीं करनी होती. जस्ट अप्लाई फर्मली अ लेयर ऑन योर स्किन. ये आपको हाइड्रेशन देती रहेगी और अपने आप आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगी. और इसकी प्राइस जो है वो 172 रुपीज मुझे आफ्टर डिस्काउंट मिली है. एंड मस्ट बाय प्रोडक्ट. नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं कुछ पाउडर्स. ये एल्प्स गुडनेस के पाउडर्स हैं. इनमें से जो फर्स्ट वन है, ये बीटरूट पाउडर है. बीटरूट के आपको फायदे तो पता ही है, चुकंदर जिसको आप बोलते हो. बीटरूट पाउडर मैंने मंगवाया है फॉर DIYs. आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी. इस पाउडर को यूज करके हम अपने हेयर मास्क बना सकते हैं, अपने फेस पैक्स बना सकते हैं और भी बहुत कुछ बना सकते हैं. ये जो प्राइस है, मुझे 69 रुपीज में ये पाउडर मिला है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 50 ग्राम्स है. नेक्स्ट वन इज रतन जोत पाउडर. जो रतन जोत होता है, बेसिकली इसको हम अपने वेजिटेबल्स में यूज करते हैं फॉर गिविंग कलर, रेड कलर टू दी ग्रेवीज एक्सेट्रा. लेकिन ये जो पाउडर है, इट इज वेरी गुड. इट हैज बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज फॉर अवर हेयर एंड स्किन ऑल्सो. इसके साथ आप बहुत अच्छे पैक्स एंड हेयर पैक्स एंड स्किन पैक्स बना सकते हो. तो अगेन इसकी जो प्राइस है 69 रुपीज है एंड क्वांटिटी 50 ग्राम्स है. नेक्स्ट मैंने मंगवाया है मुल्तानी मिट्टी पाउडर. मुल्तानी मिट्टी तो सबको पता ही है, इट इज वेरी गुड फॉर अवर स्किन. जिनकी स्किन ऑयली है, उनके पास तो ये मुल्तानी मिट्टी हमेशा होनी चाहिए. ये एक्सेसिव ऑयल को एब्जॉर्ब करती है, गंदगी निकालती है और बहुत अच्छे फेस पैक्स बनाती है. तो इसकी अगेन प्राइस जो है वो 49 रुपीज है एंड 50 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है. तो ये पाउडर्स थे. नेक्स्ट मैंने मंगवाए थे 2 टोनर्स. टोनर इज मस्ट फॉर योर स्किन. चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप है, फेस धोने के बाद जब आप फेस वॉश से अपना चेहरा धो लेते हो, तो टोनर तो होना ही चाहिए. और मैंने दोनों ही रोज टोनर्स मंगवाए हैं. एक मैंने गुड वाइब्स का रोज टोनर, रोज ग्लो टोनर मंगवाया है. इसकी प्राइस जो है 154 रुपीज है. लेकिन इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स उन्होंने डाले हुए हैं. सो मुझे एक
ऑर्गेनिक सा रोज टोनर भी चाहिए था जिसमें और कुछ भी ना हो, लेकिन अगर मैं इसको स्प्रे करती हूँ तो ये मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो दूसरा मैंने बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला रोज वाटर मंगवाया जिसमें कुछ भी नहीं, मिक्स्ड ओनली रोज वाटर है और ये 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल है। ये अरोमा हस्क का रोज वाटर है, अरोमा हस्क का रोज वाटर है एंड इसकी प्राइस 199 रुपीज है। और इस तरह का ये मुझे दिखने, इस तरह का इस बॉटल में आप देख सकते हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का इसका कलर है, क्योंकि जो हमारा बिल्कुल ऑर्गेनिक या बिल्कुल नेचुरल रोज वाटर होता है ना, इट इज वेरी गुड फॉर योर हेयर ऑल्सो। अगर आपके पास सिरम नहीं है तो अगर आप ये रोज वाटर अपने बालों पे स्प्रे करते हो ना, तो आपके बाल जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, इंस्टेंट शाइन दे देता है, तो ये आपके पास जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है गुड वाइब्स का कैरेटिन शैम्पू, नरिशिंग शैम्पू है ये। मैंने जस्ट ट्रायल बेसिस पे इसकी छोटी वाली क्वांटिटी मंगवाई है, ये 120 ml की इसकी क्वांटिटी है और ये मुझे 163 रुपीज का मिला है। और मैं एक बार इसको यूज कर चुकी हूँ, लेकिन एज इट इज इन्होंने जैसे इसमें लिखा हुआ है ये आपके फ्रिज को मैनेज करेगा, बहुत उलझने जिनके बालों पे पड़ती हैं उलझने नहीं पड़ेगी एंड मीन एंड हेयर्स जो है वो सिल्की सॉफ्ट हो जाएंगी। और मैंने एक बार यूज किया है और मुझे मेरे बाल सॉफ्ट हो गए थे एंड इट वॉज द गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस शैम्पू। आप ट्राई कर सकते हो, अगर मैं इसको स्टार्स देने चाहूँ तो मैं 5 में से 4 स्टार्स इसको दे सकती हूँ, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड लास्ट मुझे मिला था ये फ्री में रेस्टबेरी एंड पेपरमिंट स्क्रब छोटू सा, ये इन्होंने फ्री में दिया है मुझे। इसको मैंने अभी यूज नहीं किया है, ट्रायल पे है और इसकी प्राइस इन्होंने 50 रुपीज लिखी हुई है। तो ये लास्ट प्रोडक्ट था। दिस वॉज माई होल पर्पल हॉल, जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिए हैं, लेकिन आने वाले वीडियोस में मैं इनको यूज करूंगी। एंड इफ यू लाइक्ड माई दिस पर्पल हॉल, इस तरह की प्रोडक्ट रिव्यूज की और वीडियोस चाहते हो मेरे से, तो डू कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियोज टू शेयर ऑल्सो। लव यू ऑल।